फलों की ज़रूरत हर घर में होती है। घर में किसी का व्रत हो, घर में कोई बीमार हो या फिर बच्चों बूढ़ों की सेहत का ध्यान रखना हो, फलों का महत्व हर घर में होता है। इसलिए हर कोई घर की ज़रूरत के हिसाब से फल अपने घर में लाता है। बात अगर इंदौर की करें तो इंदौर में चोइथराम फल और सब्ज़ी मंडी सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है। पर चोइथराम फल और सब्ज़ी मंडी में अधिकतर थोक में सब्जी और फलों की खरीदी की जाती है, पर इंदौर में राजीव गांधी स्क्वायर का यह एरिया फल मंडी के नाम से मशहूर है, जहां आपको एक साथ फलों की ढेरों दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आप अपने पसंदीदा फल की खरीदी भी कर सकते हैं, जहां पर आपको 12 महीने वाले मिलने फलों के साथ साथ ही मौसमी फल भी आराम से मिल जाते हैं। यहां पर एक कतार से फलों की ढेरों दुकानें लगती हैं, जिससे कि दुकानदार के पास यह विकल्प रहता है कि अगर किसी दुकान में फल महंगा मिल रहा है तो वह दूसरी दुकानों पर मोल भाव करा कर कम रेट में खरीदी कर सकता है। हालांकि इस फल मंडी में आपको सभी फल मार्केट रेट से काफ़ी कम दामों में मिल जाते हैं। बात अगर 12 महीने बिकने वाले सदाबहार फलों की करें तो सेब, केला, पपीता, संतरा और अंगूर के अलावा इस मंडी में मौसमी फलों की भी भरमार है। ऐसे मौसमी फल जो कि मात्र 2 या 3 महीनों के लिए मार्केट में आते हैं। दुकानदारों ने बताया कि यह मंडी लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से इंदौर में संचालित है, जहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग फलों की खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों को इस मंडी में अपनी ज़रूरत के हिसाब से फुटकर फल उचित दामों में भी मिल जाते हैं। चोइथराम मंडी इंदौर की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और यहाँ पर राजीव गांधी सर्कल के पास में ये जो फल बाज़ार है ये फुटकर फल बाज़ार के नाम से जाना जाता है। लगभग कितने व्यापारी यहाँ पर दुकानें लगाते हैं और फुटकर फल क्या सभी प्रकार के फल यहाँ मिलते हैं? हाँ, सभी प्रकार के फल मिलते हैं यहाँ, काफ़ी टाइम से दुकानें लगती हैं। अच्छा, अभी से नहीं, कम से कम 15-20 साल से हम लोग, जितने लोग भी हैं यहाँ पर, सब लोग हेला दुकान वकान लगाते हैं और सब फ्रूट मिलता है। अच्छा, तो लगभग कितने 20 वर्षों से? हम तो 20 साल से। हाँ, 20 साल से। अच्छा, तो ग्राहकों का क्या रिस्पांस रहता है इस जगह को लेकर? ग्राहक अच्छे आते हैं, खूब बिकता है, माल भी अच्छा बिकते हैं। लेकिन अगर फुटकर लेना है तो लोग यहाँ आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं ना। ठीक है, कौन कौन से फल अपने पास में रहते हैं? सारे, बहुत सारे सीजनी फल जो भी आते हैं सब मिलते हैं। ठीक है, तो फेमस है ये बाजार। ठीक है, एक बार नाम बताइएगा अपना। टिंकू नाम ले। आप सब्जी व्यापारी हैं? फल व्यापारी? फल सब्जी फुटकर विक्रेता। ठीक है, ठीक है।